हरी एक काम करो, तुम चौकी जाकर पुलिस वालों को खबर करो और बाकी सब लोग स्प्रेड हो जाओ, हमें उसे जाने नहीं देना है। फिर क्या, हरी के साथ साथ बाकी लोग भी साइकिल लेकर निकल गए। गट्टू ने देखा जैसे ही बूढ़ा आदमी पैसे लेकर एटीएम से बाहर आया, चोर ने उसके हाथ से सारे पैसे छीन लिए। छोड़ो, हेल्प हेल्प। चोर भागते हुए बाइक के पास आया तो बाइक में चाबी नहीं थी। भागो चोर, पकड़ो। चोर डर गया और भागने लगा। गट्टू भी साइकिल से चोर का पीछा करने लगा। रुक जाओ, तुम ज्यादा दूर नहीं भाग सकते। यह सुनकर चोर और तेजी से भागने लगा कि तभी चिंकी और बाकी बच्चे भी गट्टू को शामिल हुए और चोर का पीछा करने लगे। रुक जाओ, तुम बच नहीं सकते हो। चोर तेजी से भागता रहा, तभी सामने से पुलिस की गाड़ी आई और चोर थम गया। उसे भागने को जगह ही नहीं बची थी। गाड़ी से हरी के साथ पुलिस बाहर आई और उन्होंने चोर को पकड़ लिया। क्यों रे, मिल्खा बनने का शौक है, पैसे निकाल चल। चोर ने पुलिस को सारे पैसे दे दिए। तभी बूढ़ा आदमी आया और रोने लगा। थैंक यू वेरी मच सर, मेरी बीवी सिटी अस्पताल में एडमिट है, उसके इलाज के पैसे थे। थैंक यू हमें नहीं, इन बच्चों को कहिए, इनकी वजह से ये पकड़ा गया। चल रे, हेलमेट उतार। चोर ने हेलमेट उतारा तो बूढ़ा आदमी शॉक हो गया। अरे साहब, मैं जानता हूँ इसे, ये तो सिटी हॉस्पिटल का सिक्योरिटी गार्ड है, इसी ने मुझे एटीएम का एड्रेस बताया था। सर, इसकी बाइक एटीएम के सामने खड़ी है, मुझे लगता है वो बाइक भी चोरी की है, आप देख लीजिए। थैंक्स बेटा, सिटी का हर सिटीजन तुम सबकी तरह सतर्क और बहादुर हो, तो क्रिमिनल्स क्राइम करने से पहले 100 बार सोचेगा।